दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैमिकल और खाद मंत्री अनंत कुमार वालों खाद के उत्पादन संबंधी कई नए फैसले लिए गए। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर पावर कोल एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री पीयूष गोयल जी एंड द सेक्रेटरी पावर श्री प्रदीप कुमार पुजारी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री उपेंद्र त्रिपाठी and Secretary Department of Fertilizers Shri Anuj Kumar Bishnoi. Friends, the Honorable Ministers will brief you on the decisions of the Cabinet and we will first begin with Honorable Minister for Communication and IT and you know the points of order. After the briefing we will take a few questions and kindly keep your mobiles on silent mode or switch off mode. Sir, with your permission, after this briefing at 3:30, there is another press conference by the Honorable Minister of Human Resource Development and Social Justice and Empowerment and Commerce and Industry. So I request you to stay on after this. Over to the Honorable Minister. Mitro Namaste. Mani Anand Kumar Ji and Mitro Piyush Goyal, hum sabhi aapke samne cabinet mein hue faislon ki jankari denge. प्रश्न में स्वाभाविक है आप कुछ विषय उठाएंगे हैदराबाद की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में, तो विस्तार से उस पर फोकस करते हुए स्पीति जी और थावरचंद गहलोत जी और निर्मला जी आपसे बात करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोग चर्चा करेंगे आज कैबिनेट के निर्णय के बारे में। टुडे इज अ वेरी ग्रेट डे इन द फील्ड ऑफ आवर स्पेस टेक्नोलॉजी। द फिफ्थ सैटेलाइट सिस्टम वॉज लॉन्च टुडे वेरी सक्सेसफुली। Honorable, the Prime Minister briefed the Cabinet about that, and you may recall that there are 7 satellite systems, out of which the 5th was launched today, 2 are more to be launched. The entire Cabinet applauded the initiative of the scientists and the Ministry of Space. So, ek ye vishay mujhe aapko batana tha. Cabinet ki jo Economic Affairs Committee hoti hai, aaj ke is baithak mein do mahatvapurna vishay hain, jo Maniya Anand Kumar ji batayenge. सिटी कंपोस्ट के बारे में एक बहुत सार्थक पॉलिसी इनिशिएटिव हुआ है और टैरिफ पॉलिसी को रिवाइज करते हुए कैबिनेट ने आज नई टैरिफ पॉलिसी को इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को अप्रूव किया है। उसके बारे में विस्तार से मित्रवत पीयूष जी आपको बताएंगे। आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने औरंगाबाद झारखंड बॉर्डर में NH2 के 6 लेनिंग को अप्रूव किया है। It will come under the National Highway Development Project Phase 5. ये BOT मोड पे किया जाएगा और इसका एस्टिमेट कॉस्ट है 4,918 करोड़ रुपए, 0.48 करोड़, 4,918. This is an important step in improving and expediting infrastructure between Bihar and Jharkhand. बिहार और झारखंड में सड़क के इंप्रूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। मित्रों, कैबिनेट ने आज एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल किया है जो इंडिया का स्टैंड WTO में नैरोबी में था। आपको मालूम है कि भारत की एक बहुत बड़ी विजय वहां पर हुई है, फूड सिक्योरिटी और पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को लेकर काफी विवाद था बिटवीन डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्रीज। आपको मालूम है कि डेवलप्ड कंट्रीज की यह भी आपत्ति थी कि दोहा राउंड को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए नैरोबी के आगे, बट वी इंसिस्टेंट अपॉन दैट एंड देर वॉज ए मिनिस्ट्रियल कमिटमेंट ऑन ऑनरिंग फूड सिक्योरिटी पर्पसेस ऑन पब्लिक स्टॉक होल्डिंग। ये एक बहुत बड़ी बात हुई है और आपको मालूम है कि वहां पर एग्रीकल्चर में स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म जो दोहा मैंडेट में था उसको भी लागू किया जाए। सब्सिडी को लेकर बहुत चर्चा होती है, आप जानते हैं, तो ये भारत की दो बहुत महत्वपूर्ण विजय हुई है। मैंने कहा ये आपको बता दूं। मित्रों, दो और महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं पावर टैरिफ के बारे में और कंपोस्ट का जो विषय है अनंत कुमार जी बताएंगे, इसलिए मैं उसको नहीं छू रहा हूं। एन MOU हैज बीन साइंड एंड अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट टुडे, अर्लियर डन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर in the field of public administration and governance reform between India and UK.
और उसका जो गेमट है ब्यूरोक्रेसी को हम सर्विस डिलीवरी में कैसे कम करें, गवर्नमेंट प्रोसेस को कैसे री इंजीनियर करें, तो इट इज अ वेरी गुड एमओयू डिजाइन टू री इन्फोर्स ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू एमिनेंट डेमोक्रेसीज अबाउट गवर्नेंस, अबाउट ट्रांसपेरेंसी, अबाउट लिमिटिंग ब्यूरोक्रेसी। ये एक विषय मुझे आपको बताना था जो फैसला हुआ है। इसके अलावा कैबिनेट ने आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण एमओयू कुवैत में और इंडिया के बीच में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड कुवैत इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन कोऑपरेशन, स्पेस में इन दोनों इंडिया के साइंटिफिक बॉडीज के बीच में कोऑपरेशन बढ़ना चाहिए। तो इससे स्पष्ट है कि भारत के साइंटिफिक इनोवेशन और एक्सपीरियंस का लाभ आज हम नए क्षेत्रों में कर रहे हैं। कुवैत के साथ स्पेस में जो एक एमओयू हुआ है इसका क्या संकेत है? इंडिया इज एन इमर्जिंग स्पेस पावर एंड द कंट्रीज आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इंडियाज एक्सपीरियंस इन परस्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मुझे आपको बताना था। मेरे ख्याल में बाकी सारे विषय आ गए। एक दो छोटे छोटे विषय हैं जिनकी मैं सूचना दूंगा आपको कि दिल्ली में रामकृष्ण मिशन को कृष्णा मार्केट पहाड़गंज में जमीन अलॉट की गई है उनकी गतिविधि को और एक्सपैंड करने के लिए। उनका जहां अभी तक मंदिर है, उनके संस्थान है, उसके सामने में जमीन थी तो उन्हें आग्रह किया था, तो उसको कैबिनेट ने अप्रूव किया है। और मुंबई में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे के बीच में जमीन को अदला बदली की गई है। मित्रों, दिस इज फ्रॉम मी। नाउ आई विल रिक्वेस्ट माय सीनियर कलीग ऑनरेबल अनंत कुमार जी टू काइंडली एड्रेस द इम्पोर्टेंट इश्यू ऑफ सिटी कंपोस्ट। धन्यवाद रविशंकर जी। एक प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़े शब्द होते हैं, फ्रॉम वेस्ट टू वेल्थ, आपको मालूम है। तो अनंत कुमार जी ने वेस्ट टू वेल्थ की जो पॉलिसी बनाई है उसको आपके सामने रखेंगे जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है। धन्यवाद रविशंकर जी। आज कैबिनेट ने माननीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है वेस्ट टू कंपोस्ट का, यानी पूरा देश भर में सालाना 62 मिलियन टन वेस्ट बनती है और इस वेस्ट को वैज्ञानिक तौर तरीके से प्रोसेस करने का, यानी कलेक्ट करने का, सेग्रीगेट करने का, प्रोसेस करने का कोई राष्ट्रीय स्तर का मिशन नहीं था। लेकिन आज के इस निर्णय से ये सभी जो वेस्ट बनती है इसको कंपोस्ट में परिवर्तन करने का एक अहम निर्णय भारत सरकार ने लिया है। जब हम ये काम पूरा करेंगे 5.4 मिलियन टन्स हम कंपोस्ट बना सकते हैं और यदि भारत के मानचित्र, कृषि मानचित्र आप देखेंगे, पूरा भारत में 67% ऐसे कृषि क्षेत्र है जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट का कमी है और आज के दिन में बहुत ज्यादा हम यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी 32 मिलियन टन यूरिया इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ और 20 मिलियन टन हम पीएनके फर्टिलाइजर्स, डीएपी, एमओपी, एसएसपी, बाकी केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एक बैलेंस फर्टिलाइजेशन भी लाने के लिए इस कंपोस्ट का अहम उपयोगिता है और आज तक पिछले 68 सालों में कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी नहीं था, केवल केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर भारत सरकार सब्सिडी देती थी। लेकिन आज के निर्णय के बाद कंपोस्ट को भी
हम मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस के नाम पर हर टन के लिए 1,500 रुपए का सब्सिडी देने वाले हैं। ये हिस्टोरिक फर्स्ट स्टेप है नरेंद्र भाई मोदी के सरकार के, और आज तक एक्चुअली हमारे कैपेसिटी है प्रोडक्शन का कंपोस्ट का 8 लाख मैट्रिक टन, केवल 8 लाख मैट्रिक टन, हम 54 लाख मैट्रिक टन जा सकते हैं, और लेकिन आज तक हम बना रहे हैं 1.5 लाख मैट्रिक टन। इसका मूल कारण यह रहा, जब मार्केट में बाजार में एक किसान को 5,500 रुपए में कंपोस्ट मिलेगा और उससे कम दाम में यानी 5,360 रुपए में 1 मैट्रिक टन यूरिया मिलेगी तो किसान यूरिया की तरफ भाग रहा है और भागता है। तो इसलिए यदि 1,500 रुपए का हम मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस देंगे हर टन के लिए तो कंपोस्ट का दाम 4,000 का हो जाएगा। जब 4,000 का होगा यानी 4 रुपए पर केजी हो जाएगा तो पर्याप्त मात्रा में किसान ये कंपोस्ट इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, उससे बैलेंस फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जो जमीन का एक संतुलन और ताकत वो भी बच पाएगा। मित्रों, हम अभी इसको शुरुआत किए हैं और इसका पूरा सब्सिडी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे खाद्य मंत्रालय से होगा और सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एक आदेश दिया था यानी कंपोस्ट को केमिकल फर्टिलाइजर के साथ टैग ऑन करना चाहिए। बाद में उसके हिसाब से एक टास्क फोर्स बनी, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, रिकमेंडेशन के तहत एक बास्केट अप्रोच करना और बास्केट अप्रोच करके ये कंपोस्ट को वितरित करने का एक प्रणाली बनना चाहिए। लेकिन पहली बार आज इसके बारे में हमने निर्णय लिया है और सभी फर्टिलाइजर कंपनियों को और देश भर के सभी जो केमिकल फर्टिलाइजर के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको हमने निर्देश दिया है एक बास्केट के रूप में इसको परस्यूएट करेंगे और किसानों को इसको मुहैया करवाएंगे। यानी जहां जहां हम केमिकल फर्टिलाइजर बेचते हैं और सब्सिडाइज केमिकल फर्टिलाइजर बेचते हैं उसके साथ ये कंपोस्ट भी टैग ऑन होगा। और मैं समझता हूं पिछले दिनों में यानी किसान के हित में और जमीन के हित में कोई ऐतिहासिक निर्णय हुआ है और एक पैराडाइम शिफ्ट जिसको कहते हैं यानी जो केमिकल फर्टिलाइजर को खास करके यूरिया को हम इतना बड़े प्रमाण में हम सब्सिडी देते थे उसको शिफ्ट करते हुए यानी वो सब्सिडी बरकरार रखते हुए यानी केमिकल फर्टिलाइजर को जो सब्सिडी अभी है वो कायम रहेगा लेकिन फॉर बेटर फर्टिलाइजेशन फॉर बैलेंस फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए आज तक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए कोई सब्सिडी रजिम नहीं था। वो पहली बार वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी मुहैया करने का एक ऐतिहासिक निर्णय मोदी सरकार ने किया है। थैंक यू सर। और इसके साथ जो देश भर में वेस्ट बनती है और वेस्ट मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती है यानी 62 मिलियन टन वेस्ट 4,000 से अतिरिक्त शहरों में देश भर में बनती है उसको कैसे प्रोसेस करें, प्रोसेस करने के बाद उसको कैसे इस्तेमाल करें ये भी एक चैलेंज रहा है। लेकिन उस चुनौती को इस स्वच्छ भारत अभियान के एक इनिशिएटिव में भारत सरकार ने टैकल किया। अरे मित्रों, इसमें एक सप्लीमेंट कर दूं आपकी अनुमति से।
मंदिर में फूल आते हैं चढ़ाने के बाद, सब्जियों की कतरन आती है, केले का छिलका आता है, तो जिस तरह से हम अपने रद्दी के अखबार को यूज करते हैं उसी प्रकार से ए ग्रेट मूवमेंट विल राइज इन द इंटायर कंट्री एज फार एज कंजर्विंग दीज वेस्ट आर कंसर्न फॉर प्रॉफिटेबल यूज। तो इस पॉलिसी का एक बहुत बड़ा फायदा क्या होगा कि हम ये देखते हैं, अपेक्षा करते हैं कि छोटे स्तर पर महिलाओं की कोऑपरेटिव बाकी इन्वॉल्व होंगी इसको कलेक्ट करने में और कंपनीज को देने में, जो सब्सिडी है। तो इसके बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब पीयूष जी। धन्यवाद रवि जी, धन्यवाद आनंद जी। आज दो निर्णय हुए हैं ऊर्जा के क्षेत्र में। पहला निर्णय सौर्य ऊर्जा के विषय से जुड़ा हुआ है। आप सबको खुशखबरी तो मिली गई, आज के सभी अखबारों में भी है, राजस्थान में बिडिंग हुई और एक और प्रमाण है रिवर्स बिडिंग के सक्सेस का, जिसके कारण इस देश में कीमतें भी कम हो रही हैं और मैं समझता हूं जनता की सुविधाओं के लिए ऊर्जा भी सस्ती होती जा रही है। 4.34 रूपये से 4.36 रूपये के बीच 6 टेंडर 70 मेगावाट के राजस्थान में गए हैं और ये एक और बेंचमार्क बन गया है जिससे ये उम्मीद लग सकती है कि सौर्य ऊर्जा हैज कम टू स्टे। उसी को और प्रोत्साहन देने के लिए खासतौर पे जब प्रधानमंत्री जी ने यह स्पष्ट किया है कि विश्व का सबसे बड़ा सौर्य ऊर्जा का प्रोग्राम भारत करेगा, उसको और एक पुश देने के लिए आज ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स में 5050 करोड़ रुपए की सब्सिडी द्वारा, वायबिलिटी गैप फंडिंग द्वारा मिनिमम 5000 मेगावाट और वो बढ़ के शायद 12-14 हजार मेगावाट तक इस पैसे से 5050 रुपए से हम और सौर्य ऊर्जा को लगा पाएंगे। ऐसी एक स्कीम वीजीएफ की, वायबिलिटी गैप फंडिंग की, अप्रूव की गई है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं कि इन प्रोजेक्ट्स में एक बेस रेट लिया जाएगा, जो अनुमान किया था हमने 5 रुपए, ये कैबिनेट नोट शुरू जब हुआ था तब अंदाजन वो प्राइस चल रहे थे, फिर 4.63 हुआ, 4.34 हुआ, ये बढ़ते चेंज होते रहते हैं। मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से मिनिस्ट्री तय करेगी कि क्या रेट पे बिडिंग शुरू की जाए और उसके ऊपर रिवर्स बिडिंग करके जो सबसे कम वायबिलिटी गैप फंडिंग मांगेगा वो उस बिडिंग में जीतेगा और उससे सौर्य ऊर्जा खरीदी जाएगी। 5050 रुपए में अगर डोमेस्टिक और कुछ मात्रा में इसमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्शन मिलेगी, एक अंश इसका सिर्फ डोमेस्टिक सेल्स मॉड्यूल्स के लिए रहेगा, उन कंपनियों या उन प्रोजेक्ट्स को 1.25 करोड़ रुपए और जो रेगुलर इंटरनेशनल कंपेटिटिव बिड से आते हैं उसमें मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक वायबिलिटी गैप फंडिंग देने का प्रावधान किया गया है। ये सोलर पार्क्स में भी हो सकते हैं, सोलर पार्क के बाहर भी हो सकते हैं, देश भर में इसको स्प्रेड किया जाएगा, अलग अलग राज्यों के साथ बात करके जो जो राज्य इसमें पहल करेंगे उनको इसका लाभ मिल सकता है और ये मैक्सिमम है 1 करोड़ और 1.25 करोड़। एक्चुअल सब्सिडी विल बी डिटरमिंड थ्रू अ रिवर्स बिडिंग प्रोसेस और इससे सौर्य ऊर्जा और सस्ती होगी। ऑलरेडी हमने सस्ती देखा है, उसके साथ आपको याद होगा एनटीपीसी के साथ 3000 मेगावाट की बंडलिंग स्कीम की थी उनके पुराने सस्ते बिजली के साथ। अन्य अन्य प्रकल्पों से हम सौर्य ऊर्जा को सस्ती बना रहे हैं जिससे भारत के देशवासियों को सस्ती ऊर्जा प्राप्त हो सके। तो ये आज एक निर्णय किया गया। इसका एक और अंश है सेकी, जो इसका नोडल एजेंसी है, ये पहले 500 करोड़ रुपए का एक पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाएगी तो किसी भी निवेशक को ये टेंशन नहीं होगी, ये चिंता नहीं होगी कि उसके पैसे आने में विलंब हो सकती है या उसका पैसा मर सकता है। वो 500 करोड़ रुपए का फंड एक क्रिएट किया जाएगा, उसमें हर वर्ष एडिशनल पैसा जमा होते रहेगा और वो एक पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनेगा। कभी भूल चूक के कोई डिफॉल्ट होता है या कोई डिले होता है तो उसके लिए एक तरीके से ये सेल्फ इंश्योरेंस मैकेनिज्म भी इसी स्कीम के तहत क्रिएट किया गया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय जिसमें वेस्ट टू वेल्थ का जो जिक्र रवि जी और आनंद जी ने किया उसका भी एक प्रमुख अंश है, वो है अमेंडमेंट्स टू द
पावर टैरिफ पॉलिसी। मैं जानता हूं आप लोग कई दिनों से इसके बारे में मुझे पूछते रहे हैं, लेकिन थोड़ी भूमिका इससे देना चाहूंगा कि ये प्रक्रिया शुरू हुई थी 2011 में और 2012 में एक वर्किंग ग्रुप ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे और पिछली सरकार में वो रिकमेंडेशंस लेके चर्चा और विचार विमर्श हो रहा था, कुछ कैबिनेट तक नोट पहुंच नहीं पाया था। मैंने वो वर्किंग ग्रुप की भी रिकमेंडेशंस देखी, वो साधारणतः निवेशकों को और पावर प्लांट ओनर्स को क्या सुविधा हो सकती है और उनके सरलीकरण के अलावा कुछ ज्यादा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस नहीं सजेस्ट कर रहा था। वो वर्किंग ग्रुप की शायद वेबसाइट पे अवेलेबल भी होगी, अगर कोई पढ़ेगा तो उन्होंने 5-6 रिकमेंडेशंस रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और करीब 5-6 रिकमेंडेशंस बाकी क्रॉस सब्सिडी चार्ज और स्टैंड बाय चार्ज, ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स, इन सब विषयों पे ही चिंता की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए और उनका खुद का अनुभव गुजरात का, हम सभी जानते हैं उन्होंने किस सफलता से बहुत ही कम समय में बिना अपने उपभोक्ताओं पे ज्यादा बोझ डाले कैसे ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक परिवर्तन गुजरात में करके दिखाया था। उनके उन अनुभवों का लाभ लेते हुए, और पुजारी साहब उनके साथ जुड़े हुए थे, हमारे सेक्रेटरी पावर उस समय गुजरात में उनके साथ जुड़े थे इन सब चीजों को सुधार करने में, तो प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि एक पूरी टैरिफ पॉलिसी को एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक व्यू लेके रिव्यू किया जाए जिससे हर एक वर्ग को लाभ हो। तो अब एक आज बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, यू कैन सी द साइज ऑफ द कैबिनेट नोट, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करके टैरिफ पॉलिसी में 4 अंगों में इसको हमने आपके सामने पेश किया है कि कैसे इस टैरिफ पॉलिसी का लाभ सबको होगा। सबसे पहला हमारा जो लक्ष्य है इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, पावर फॉर ऑल, ये 4 ईज का जिक्र करूंगा मैं। फर्स्ट ईज इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, हर एक रेगुलेटर को ये कहा गया है कि राज्य सरकार के साथ मिलके वो एक ट्रेजेक्ट्री बनाए कैसे और कम से कम समय सीमा में हर घर तक, हर उद्योगपति तक, हर उद्योग कारखाने तक, हर दफ्तर तक, हर दुकानदार तक कैसे सबको 24/7 बिजली पहुंचाने का उनका रोडमैप क्या होगा, ये उनको जरूरी बना के हमें देना पड़ेगा और हम उसके ऊपर मॉनिटरिंग करेंगे और उस पर निर्धारित होगा केंद्र सरकार का उनको सपोर्ट। दूसरा, जो रिमोट विलेजेस में माइक्रोग्रिड्स लगते हैं, और माइक्रोग्रिड्स कई बार अनिवार्य इसलिए होते हैं कि ग्रिड पहुंचने में कोई पहाड़ों के ऊपर, कोई जंगलों में ग्रिड पहुंचने में देरी होती है, समय लग सकता है, तो हम माइक्रोग्रिड प्रमोट कर रहे हैं ऑफ ग्रिड। जो गर्व के अगर आप ऐप को देखेंगे उसमें डिटेल्स दी है कितने विलेजेस को ऑफ ग्रिड सॉल्यूशन से बिजली पहुंचाएंगे, परंतु प्रॉब्लम यह होती है कि जब वो ग्रिड वहां पहुंचता है तो उस ग्रिड, तो ये माइक्रोग्रिड का क्या, वो खराब हो जाता है, उसका कोई बिजली खरीदता नहीं है। तो प्रावधान लाया गया है कि वो माइक्रोग्रिड से बिजली फिर ग्रिड में नेट मीटरिंग द्वारा कंपल्सरीली फीड इन की जा सकेगी, जिससे माइक्रोग्रिड्स की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी को सुनिश्चित किया गया है। और साथ ही साथ एक ये अलाउ किया है कि जो वॉशरी बेस्ड रिजेक्ट्स होते हैं, और आप जानते हैं कि हम 112 मिलियन टन की वॉशरीज अगले 18 महीने में लग जाएं और देश में वॉश्ड कोल इस्तेमाल हो, उस पर बहुत कदम उठा रहे हैं, वॉशरी बेस्ड रिजेक्ट्स को इस्तेमाल करके छोटे प्लांट्स कोल माइनिंग एरियाज में लगें वॉशरीज के साथ और उससे सस्ती बिजली कोल माइनिंग एरियाज में मिले, इसका प्रावधान भी इसमें किया गया है। उसके लिए रेगुलेटर्स को कहा है कि वो अगले 6 महीने में उसका पूरी स्कीम बना लें। मैं जब झारखंड में, ओडिशा में, सब जगह चुनाव के लिए जाता था तब बड़ी पीड़ा होती थी कि खास तौर पे ईस्टर्न पूर्वी प्रदेशों में बिजली आज तक मिलती नहीं है और उनके यहां से कोयला निकल निकल के हम सबको जगमगाती हुई बिजली देता है, कैसे उन गरीबों के घर तक बिजली सस्ती पहुंचे, 2400 घंटे मिले, उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बाकी और बहुत सारे चीजें हैं जो हम वेबसाइट पे डालेंगे जिससे
24 घंटे पावर सबको मिले उसके लिए हम सिंप्लीफाई क्या क्या कर रहे हैं। दूसरे ई पे आता हूं, एफिशिएंसी। हमारा इच्छा है कि बिजली मिले लेकिन सस्ती बिजली मिले, महंगी बिजली देना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो दो तीन चार उसमें प्रमुख नई चीजें लाए हैं। एक तो आप सब जानते हैं कि आज जमीन मिलना बड़ा मुश्किल है, फिर उसका पर्यावरण क्लियरेंस और एक लंबा प्रोसेस होता है नए प्रोजेक्ट लगाने के लिए। तो जितने एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स हैं उन सबको 100% तक एक्सपेंशन ऑटोमेटिक रूट से अलाउ किया जाए, ऐसा प्रावधान इस टैरिफ पॉलिसी में लाया गया है, जिससे कि एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज्यादा अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो सके, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइज हो सके, लैंड नया खरीदने का समय ना लगे और प्रोजेक्ट एक कंप्रेस टाइम फ्रेम में लगे तो प्रोजेक्ट कॉस्ट भी मिनिमम रहे, जिससे बिजली के दर कम हो और उसका बेनिफिट, उसका लाभ सीधा कंज्यूमर्स को पास थ्रू के रूप में लाभ मिल सके। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो इतने वर्षों में हुआ नहीं लेकिन अब इस टैरिफ पॉलिसी में लाया गया है, आप सब जानते हैं कि बिजली घर आज गवर्नमेंट पूरी तरीके से बिजली खरीदती नहीं है, फिक्स चार्ज देना पड़ता है और वो फिक्स चार्ज देके जो जिसका पीपीए है उसको भी नुकसान होता है और पावर प्लांट के फैसिलिटी भी खराब वेस्ट होती है, यूटिलाइजेशन नहीं होती है। तो अब एक नई पॉलिसी लाई गई है इसमें, इसके तहत जिससे अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या परचेजर बिजली पूरी नहीं खरीद रहा है लेकिन फिक्स कॉस्ट का बोझ उसके ऊपर फिर भी पड़ रहा है, तो वो जो स्पेयर कैपेसिटी उपलब्ध होगी उस स्पेयर कैपेसिटी को वेस्ट करने के बदले पावर प्रोड्यूसर उस स्पेयर कैपेसिटी को यूज करके बिजली बना के पावर एक्सचेंज के द्वारा उसको बेच सकता है और जो उसमें वेरिएबल कॉस्ट निकाल के जो बेनिफिट बचेगा वो आधा आधा पावर प्रोड्यूसर और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट डिस्कॉम के बीच शेयर हो जाएगा। इसमें सभी को लाभ है। अब एनटीपीसी के आज रोज करीब 15-20% कैपेसिटी स्पेयर रहती है, उससे सस्ती बिजली बन के पावर एक्सचेंज में आएगी, जिन लोगों को जिन राज्यों को चाहिए उनको मिल सकेगी सस्ती बिजली और एनटीपीसी का जो पैसा भुगतान करना पड़ता है डिस्कॉम को फिक्स चार्जेस के रूप में उसमें भी उनको कुछ राहत मिल जाएगी क्योंकि जो बेनिफिट है उसका आधा पैसा उस डिस्कॉम को मिलेगा। दिल्ली सरकार कई बार ये लिखती है कि पीपीएस कैंसिल किए जाएं, पीपीएस कैंसिल नहीं हो सकते, ये एक तरीके से सैक्रोसैंक्ट डॉक्यूमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसे ही अन्य अन्य राज्यों में ये समस्या है, कई जगह सरप्लस पीपीएस की, तो उन सबको इससे बहुत लाभ होगा, उनको जो फिक्स कॉस्ट बर्डन है उसमें थोड़ी कमी हो जाएगी और जिन राज्यों को बिजली चाहिए उनको सस्ती बिजली मिलने का साधन बन जाएगा। एक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स पहले सीधा नॉमिनेशन बेसिस पे दिए जाते थे जिसमें कोई इंसेंटिव और कंपटीशन नहीं था जिससे ट्रांसमिशन कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए, अब यह प्रावधान लाया गया है कि जहां तक हो सके सभी ट्रांसमिशन लाइन्स एक थ्रेशोल्ड लेवल से बड़ी उन सबको कॉम्पिटिटिव बिडिंग द्वारा, इंटरनेशनल कॉम्पिटेटिव बिडिंग द्वारा ही दिया जाएगा, अनलेस कुछ नेशनल सिक्योरिटी का विषय हो या कोई इंटर गवर्नमेंटल, समझो बांग्लादेश भारत की लाइन ऐसी कोई विषय हो तो वो छोड़ के बाकी सभी लाइनों को कॉम्पिटेटिव बिडिंग से ही दिया जाएगा। और आप जानते हैं मैं तो रिवर्स बिडिंग करूंगा जिससे और दाम कम होगा, जिससे जनता को और लाभ मिलेगा सस्ती बिजली का। और बाकी कुछ और छोटे मोटे चेंजेस किए हैं, कंज्यूमर्स को फायदा हो जिससे टाइम ऑफ डे मीटरिंग इंट्रोड्यूस हो सके तो स्मार्ट मीटर्स लगेंगे, टाइम ऑफ डे मीटर से रात की बिजली सस्ती हो जाएगी, नेट मीटरिंग के मीटर्स लगने से जो रूफटॉप सोलर लगाएंगे उसको आप फीड इन कर सकेंगे इनटू द ग्रिड तो लोगों की आमदनी बन सकेगी, बिजली के उपभोक्ता बन अपने आप में एक बिजली बनाने वाले बन जाएंगे, कंज्यूमर्स विल बिकम प्रोड्यूसर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इन सब के लिए प्रोविजंस लाए गए हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू जिसमें वेस्ट टू एनर्जी भी आता है वो एनवायरनमेंट, पर्यावरण को लेके है।
पर्यावरण के लिए हमने INDCs भी पेरिस कॉप 21 में दिए हैं कि हम 2030 तक 40% इंस्टॉल कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी की करेंगे। 2022 का लक्ष्य तो आप सब जानते ही हैं, 1,75,000 मेगावाट। तो रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन जो डिस्कॉम्स खरीदती हैं उसको आस्ते आस्ते बढ़ा के सोलर में 8% तक लेके जाने का निर्णय आज लिया है, जो राज्य सरकार और रेगुलेटर मिलके एक रोड मैप बनाएंगी। एक नई ऑब्लिगेशन टैरिफ पॉलिसी में लाई गई है, रिन्यूएबल जेनरेशन ऑब्लिगेशन। जो भी नया कारखाना लगाएगा कोल बेस्ड पावर प्लांट, उसको भी एक रिन्यूएबल कंपोनेंट या तो खुद लगाना पड़ेगा या किसी से लगवा के वो खरीद सकता है। पर एक जेनरेटर के ऊपर भी नई ऑब्लिगेशन आज इंट्रोड्यूस की गई है। बंडलिंग का मैंने आपको बताया, NTPC बंडल करती है पुरानी सस्ती बिजली सौर्य ऊर्जा के साथ, जिससे बिजली के दर कम रहते हैं। एक गंगा और बाकी सभी नदियों में जो प्रदूषण बढ़ रहा है और जो शहरों में भी गंदा पानी निकलता है, इसकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन और वेस्ट टू वेल्थ को आगे लेते जाते हुए इस पॉलिसी में एक प्रावधान लाया गया है, जहां जहां वेस्ट वाटर ट्रीट होके प्रोसेस होके यूजेबल हो जाता है, उसको 50 किलोमीटर की रेडियस में, ये ट्रीटमेंट प्लांट के 50 किलोमीटर की रेडियस में कोई भी अगर पावर प्लांट होगा तो उसमें मैंडेटरीली उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत मामूली फर्क पड़ता है टैरिफ में, वो उसको अलाउ किया जाएगा पावर प्लांट को। लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ दो होंगे, हमारी नदियां साफ हो जाएंगी, गंगा का प्रदूषण खत्म करने में एक बहुत महत्वपूर्ण ये कदम रहेगा, और साथ ही साथ जहां पे अच्छा पानी बिजली घरों में इस्तेमाल हो रहा है, आज नागपुर में मैं जा रहा हूं इस प्रेस के बाद तुरंत, नागपुर ने प्रयोग शुरू किया था और नागपुर से ही सीख के हमने देश भर में अभी लागू किया है। वहां पे नागपुर कॉरपोरेशन ने पानी को प्रोसेस ट्रीट करके इस काबल बना दिया है कि NTPC मौदा में वो पानी इस्तेमाल हो सकता है, और नागपुर के रहवासियों को अच्छा पानी जो आज पावर प्लांट में यूज हो रहा है वो वहां पे नागपुर के जनता को मिलेगा। सोलापुर में भी इसी प्रकार का आजकल अकाल के कारण पानी की समस्या है, आगे चल के वहां भी वेस्ट वाटर ट्रीट करके यूज करेंगे तो NTPC सोलापुर का पानी सोलापुर शहर में मिलेगा। और वैसे ही उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, वेस्ट बंगाल में गंगा और सभी नदियों के साथ साथ ऐसे प्लांट्स लगाए जाएंगे। साथ ही साथ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस सौर्य ऊर्जा और विंड एनर्जी दोनों के ऊपर कंप्लीटली वेव कर दिया गया है, जिससे एक स्टेट में बनाई गई बिजली बाकी राज्यों में भी भेजी जा सके निशुल्क। ट्रांसमिशन चार्जेस आर वेव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोलर एंड विंड।